Hey, what's up guys, welcome back to another new video and in this video we're gonna be making this type of thumbnail using our Android device. बस इतना ही मुझे इंग्लिश आता था भाई, मैंने बता दिया, अब और नहीं आता भाई, बस नहीं आता यार. क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद. अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह. तो खैर अब चलते भाई, आपको पहले आपका जो PSCC या फिर Adobe Photoshop टच एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है. देन आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है एंड उसका जो प्रोजेक्ट रेशियो होगा दैट इज यस यू गेस इट राइट 1920x1080. सो लेट मी टाइप. ओके, इतना कंप्लीट करने के बाद आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो बैकग्राउंड है उसे ऐड करना है, क्योंकि भाई बैकग्राउंड ऐड नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई. देन आपको आपका जो स्क्रीनशॉट है उसे लेने के बाद आपको क्या करना है कि उसका जो ओपेसिटी है ना उसे थोड़ा सा कम करना है एंड उसके बाद इसे आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है. ओके, सो मैं एडजस्ट करता हूँ, आप लोग देख लो भाई मैं कैसे करता हूँ. इस तरह से एडजस्ट कर लिया, अब इसका ओपेसिटी फिर से हम फुल कर देंगे. ओके, फिर हमें क्या करना है कि एक फोटो लेयर ऐड करना है उसके ऊपर. सो उसके बाद आपको क्या कर, सो मैं एक टैग का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है. एंड अगर डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो यू नो हाउ टू डाउनलोड करके कोई वीडियो लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, उसे देख लेना. ओके, तो इस तरह का पैक मिलेगा आपको. अरे भाई ये वाला आपको एक पैक मिलेगा दैट इज रेड थंब सॉरीफ करके इस नेम पे. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फर्स्ट ये वाला जो आपको एक पार्टिकल मिलेगा इसे आपको ऐड करना है एंड ये ऑटोमेटिकली पूरे स्क्रीन पे फिल हो जाएगा. देन इसका जो ओपेसिटी ब्लेंडिंग मोड है उसे कर दें लीनियर डॉज ऐड. ओके हाँ, सो उसके बाद फिर से आपको फोटो लेयर पे आना है एंड फिर आपको ये वाला एक मिलेगा, ये वाला, इसे भी आपको ऐड करना है एंड इसका भी यू नो ब्लेंडिंग मोड लीनियर डॉज ऐड कर देना है. ओके, उसके बाद फिर से जाना है एंड फिर उसके साइड पर ये वाला एक मिलेगा, इसे भी आपको कर देना है ऐड एंड फिर से आपको जाना है एंड ये वाला मिलेगा, इसे भी आपको कर लेना है ऐड एंड इसका जो ओपेसिटी है उसे आपको यू नो अबाउट टू 40 कर देना है 40 हाँ. देन आपको फिर से जाना है एंड फिर ये वाला एक आपको ऐड कर देना है. समझ रहे हो भाई, मतलब आप लोगों के लिए ना मैं मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज बना के रखा है एंड भाई मतलब आप बस उसे ऐड कर लेना और आपका थंबनेल बन जाएगा. ओके, सो अब बारी आता है टेक्स्ट. क्या करना था हमें भाई, टेक्स्ट ऐड करना था राइट. सो ये वाला टेक्स्ट मैं ऐड करूँगा. मैं बता दूँगा इसके, आपको अगर कोई और कोई फॉन्ट मिल जाए जो कि इससे बेहतर लगे आपको तो वो फॉन्ट आप यूज़ कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है इसी फॉन्ट को यूज़ करने का. ओके, आपके ऊपर है ये पूरा अधिकार आपके ऊपर. सो भाई अब मैंने यहाँ पे रख दिया एंड नाउ क्या करना है कि यहाँ पे मैं थंबनेल को सिलेक्ट करूँगा. ओके लेट मी सिलेक्ट थंबनेल को मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर क्या करूँगा लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करूँगा. ओके, सो लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करने से क्या होता है गाइस कि ये जो थंबनेल है ना ये अलग लेयर पे सिलेक्ट होके आ जाएगा. सो फिर से आपको थंबनेल को सिलेक्ट पिक्सल्स करना है एंड जो हमारा मेन टेक्स्ट लेयर उस पे आना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे कर देना है क्लियर. सो इससे क्या हुआ कि जो मेक दिस एंड थंबनेल ये दोनों ही अलग अलग लेयर पे आ गया. ओके फाइन, सो नाउ अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर लेना है कुछ इस तरह से एम्प्टी लेयर, देन इसे आपको नीचे लेके आना है. समझ रहे हो, सारे जो टेक्स्ट है ना उसके नीचे लेके आना है एंड कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको है ना कि एक क्या बोलते हैं उसे, कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है एरिया. ओके, देन आपको क्या करना है इसे फिल करना है विथ ब्लैक कलर. ओके, ब्लैक कलर में आपको फिल कर देना है एंड देन आप क्या करना है कि थोड़ा सा यहाँ से कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके कट कर देना एंड कुछ यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करके कट कर देना एंड बाकी का यहाँ से मैं थोड़ा सा कट कर दूंगा इस साइड को एंड या नाउ इट्स फाइन, चल सकता है ये. सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप अगर चाहो तो इसका जो कलर है इसे भी आप रेड कर सकते हो. लाइक आप अगर चाहो तो ये जो मेकदिस वाला है सॉरी थंबनेल है इसे आप सिलेक्ट पिक्सल्स करोगे देन रेड कलर से आप इसे फिल कर सकते हो. सो या कर देते, रेड कलर ज़्यादा सही लग रहा है. सो ओके, इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों लेयर को जो मेकदिस है ना मेकदिस इसे हमें थोड़ा सा मतलब बड़ा करना है लिटिल बिट ताकि ये अच्छे से मैच हो जाए राइट.
सो उसके बाद इस दोनों लेयर को आपको कर देना है मर्ज डाउन. उससे पहले रुको रुको रुको, उससे पहले मर्ज डाउन होने से पहले मेक दिस वाला जो लेयर है वहाँ पे इफेक्ट्स पे आना है. एंड ये वाला जो इफेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, अरे नेम भूल गया, हाँ तो मैं बता देता हूँ, बेवेल करके एक इफेक्ट मिलेगा, बेवेल इफेक्ट को आपको दे देना है. ओके बेवेल इफेक्ट, नाइस. उसके बाद इस दो इन सारे जो हमारे टेक्स्ट लेयर था इन सबको मर्ज करके एक ही लेयर पे लेके आ जाना है. फिर आपको इस ये वाला जो टूल है ना, ये देख पा रहे हो, यहाँ पे क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है. एंड यहाँ से आपको थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा स्क्यू करना है. नाइस, कर लोगे आप? ओके, अब आपको क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट वाला लेयर हमने बनाया, फाइन, इसे आपको इस लेयर के नीचे लेके आके रख देना है. ओके, एंड अब क्या करना है कि ये वाला जो लेयर था ना, ये वाला लेयर, इसका आपको ओपेसिटी करते हैं लीनियर टॉच ऐड. ये मैं भूल गया था, करना भूल गया था. ओके, सो फाइनली आपका थंबनेल हो चुका है कंप्लीट. अब आप जाओ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर एंड वहाँ से आपको जो भी फिल्टर पसंद आए उसे आप अप्लाई कर लो. ओके, सो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आप लोगों को हेल्प करेगा यार, मतलब इतना ज़्यादा हेल्प करेगा भाई, मतलब मैंने तो बहुत कुछ करके रख दिया, बहुत सा ईजी सा थंबनेल है. सो यस, ऐसे इजी थंबनेल के लिए यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को. एंड आप अगर चाहो मेरे व्लॉग वीडियोज अगर देखने चाहते हो तो जाके मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो, दैट इज सॉरी फैक्ट्स. तो या मैं समझ लो इस वीडियो में, तब देख लिए बाय बाय एंड टेक केयर ब्रो. अबे पानी खाना है मुझे, पीना है भाई.